नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करता हूँ, यानी तुम्हारे कुछ तापमान के आधार पर कुछ वैद्युत रोधन पदार्थों का हम वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो इनका दोस्तों ये क्लासिफिकेशन हम किस कंडीशन से करते हैं, सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूँगा। दोस्तों जितने भी तुम्हारे नेम दिए हैं, ये तुम्हारे दिए हैं तुम्हारे VIS, या बोल सकते हैं उसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या बोल सकते हैं भारतीय मानक संस्थान 1271, या बोल सकते हैं 1958, या बोल सकते हैं 1985 के अनुसार तुम्हारे कुछ वैद्युत रोधन या बोल सकता हूँ अचालक पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया तुम्हारा, इसी के आधार पर मैं दोस्तों कुछ वर्गीकरण होंगे। जैसे तुम्हारे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में अलग अलग कंडीशन में तुम्हारे जो भी स्टडी हैं दोस्तों, उसी आधार पर मैं इनके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें, यानी दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूँगा इसमें क्लास बाई की बात करूँगा। दोस्तों किसकी करूँगा? क्लास बाई। तो क्लास बाई के अंतर्गत दोस्तों जो तुम्हारे इंसुलेशन या पूछ सकते हैं वैद्युत रोधी पदार्थ आते हैं जिनमें धारा प्रभावित नहीं होती है, जिसमें धारा का कोई संवहन नहीं होता, या मैं बोल सकता हूँ इसमें लीकेज करंट भी क्या होती है, पैदा नहीं होती है, ऐसे पदार्थ होते हैं तुम्हारे वैद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। अब वैद्युत रोधी पदार्थ में क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों कैसा होता है, बहुत उच्च होता है, या बोल सकता हूँ मैं ऐसे पदार्थ जिनका क्या होता है उच्च प्रतिरोध होता है, वे पदार्थ क्या बोलते हैं इन्हें, वैद्युत रोधी पदार्थ या बोल सकते हैं अचालक पदार्थ कहते हैं। अब दोस्तों इसमें अचालक पदार्थ होते हैं, तो अचालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं जैसे तुम्हारा आता है सूत आता है, रेशम आता है, एवेस्टस आता है तुम्हारा, और लेदर कपड़ा आता है तुम्हारा, अब्रक आता है, फाइबर आता है, कांच आता है, जितने भी दोस्तों ये मटेरियल हैं, ये कैसे मटेरियल तुम्हारे दोस्तों, यानी वैद्युत रोधन या बोल सकता हूँ अचालक पदार्थ है। दोस्तों अचालक पदार्थ में सबसे पहले मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें चल रहा हूँ, सबसे पहले वाई के बारे में बात करूँगा, क्लास वाई के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, ये तो क्वेश्चन तुम्हारे UPSC एग्जाम JEE में भी पूछ लेता कभी कभी क्वेश्चन, ये तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इसी में, सबसे पहले क्लास वाई के बारे में बात करूँगा, श्रेणी वाई। तो दोस्तों इस श्रेणी के अनुसार क्या होता है, ये इनका जो वैद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, इनका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों कितना होता है, 90 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है 90 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये क्या होते हैं, ये पदार्थ होते हैं तुम्हारे तापमान बिना, ये क्या होते हैं बिना तापमान के अपने वैद्युत रोधी पदार्थ गुण खोए हुए सहन कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो वैद्युत रोधी पदार्थ होते हैं ये होते हैं तुम्हारे जैसे सूत आता है, क्या होता है दोस्तों सूत होता है, रेशम होता है, क्या होता है रेशम होता है, और आता तुम्हारा इसमें सामान्य कागज आता है, क्या आता है तुम्हारा सामान्य कागज आता है, और इसमें आता तुम्हारा एक आता तुम्हारा इसमें आता है सेलुलेज, क्या होता है दोस्तों सेलुलेज, ये सभी आते हैं। ये पदार्थ होते हैं तुम्हारे कैसे होते हैं, यानी ये भी जितने भी मटेरियल हैं ये तो किसके अंतर्गत आते हैं तुम्हारे क्लास वाई के अंतर्गत आते हैं, क्या बोल सकता है इनका जो टेम्परेचर होता है अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है इनका कितना होता है 90 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब मैं बात करता हूँ इसमें क्लास ए की बात करता हूँ मैं दोस्तों, इनका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों कितना होता है, अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है इनका 105 डिग्री टेम्परेचर होता है, कितना होता है दोस्तों इनका 105 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें जो यूज किया जाता है इसमें भी क्या होता है, जो तुम्हारे वैद्युत रोधी पदार्थ के रूप में जो यूज किया जाता है हमारा होता है, जैसे सूत भी होता है इसमें और रेशम भी आता है इसमें, क्या आता है दोस्तों रेशम आता है, और जैसे आता है तुम्हारा तेल से भीगे हुआ कागज आता है, कैसा होता है तुम्हारा तेल से भीगा हुआ कागज, भीगा हुआ कागज किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये तुम्हारा क्लास ए के अंतर्गत आता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें क्लास ई की ही बात करता हूँ, तो दोस्तों क्लास ई का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों कितना होता है 120 डिग्री टेम्परेचर होता है, कितना होता है 120 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये इसका जो यूज किया जाता है, यानी इसमें वैद्युत रोधी पदार्थ के रूप में जो यूज किया जाता है वो होता है तुम्हारा इसमें क्या होता है दोस्तों लेदराइड, क्या होता है दोस्तों लेदराइड होता है, और होता है पेपर होता है तुम्हारा इसमें, और आता तुम्हारा एम्पायर क्लॉथ आता है, पेपर आता है इसमें, एक आता तुम्हारा एम्पायर क्लॉथ आता है, क्या आता तुम्हारा क्लॉथ या कपड़ा होता है, और आता है इसमें आता है जैसे तुम्हारा फाइबर भी इसी के अंतर्गत आती है, क्या आती है दोस्तों फाइबर, फाइबर। अब मैं बात करता हूँ इसमें जैसे मैं नंबर फोर पे बात करता हूँ, तो फोर में आते हैं जैसे तुम्हारे इसके बाद आता है तुम्हारा क्या आता है दोस्तों बी आता है क्लास बी, तो क्लास बी का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है दोस्तों 130 डिग्री क्या होता है सेल्सियस होता है, या बोल सकता हूँ अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है 130 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब इसमें जो वैद्युत रोधी पदार्थ के रूप में जो यूज किया जाता है इसमें भी दोस्तों क्या होता है अब्रक होता है तुम्हारा,
फाइबर होता है, ग्लास होता है, ये क्या इस किसके अंतर्गत आते हैं? तुम्हारे क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आता है तुम्हारा, इसमें आता है एस्बेस्टस आता है, क्या आता है दोस्तों? एस्बेस्टस आता है। और क्या आता है इसमें? आता है कांच भी आता है, क्या आता है? कांच आता है। अब देखना इसमें, जैसे मैं बात कर रहा हूँ उसी में, जैसे अभ्रक है इसमें, क्या आता है दोस्तों? अभ्रक है। और अभ्रक के साथ मैंने बताई थी फाइबर है, क्या दोस्तों? फाइबर, गिलास। और क्या दोस्तों इसमें? गिलास। और आता है इसमें जैसे एस्बेस्टस आता है, क्या आता है तुम्हारा? एस्बेस्टस। ये जितने भी दोस्तों मेटेरियल आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तुम्हारे क्लास बी के अंतर्गत आते हैं, या विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। अब देखना इसमें मैं बात करूँ नंबर फाइव की, बात करता हूँ क्लास बी के, आता ज़्यादा आता तुम्हारा क्लास एफ आता है दोस्तों। क्या आता है तुम्हारा? क्लास एफ। क्लास एफ का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों 155 डिग्री टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 155 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके अंतर्गत आता तुम्हारा, जैसे इसके अंतर्गत भी आता है, जैसे अभ्रक आता तुम्हारा, और फाइबर आता है, और दोस्तों गिलास आता है। क्या आता है? गिलास। और भी होता है, जैसे इसके अंतर्गत आता है कांच, क्या आता है दोस्तों? कांच आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? कांच आता है। और दोस्तों मैं बात करूँ इसी में आगे, नंबर सिक्स में बात करता हूँ दोस्तों। सिक्स में आता है तुम्हारा, इसमें जैसे वी के बाद आता है एफ आएगा, एफ के बाद आता है तुम्हारा क्या आता है? एच आता है। और दोस्तों एच का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 180 डिग्री क्या होता है? सेल्सियस होता है। ये होता है अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है। और इसमें जो यूज किए जाते हैं तुम्हारे, जो मेटेरियल यूज किया जाता है, या विद्युत रोधी पदार्थ यूज किया जाता है तुम्हारा, या बोल सकते हैं चालक पदार्थ यूज किया जाता है, इसमें होता है तुम्हारा जैसे एलास्टोमर होता है। क्या होता है? एलास्टोमर। और होता है इसमें जैसे एलास्टोमर हुआ तुम्हारा, अभ्रक हुआ, क्या हुआ तुम्हारा? अभ्रक। फाइबर भी होता है, और तुम्हारा क्या होता है? ग्लास भी होता है। क्या होता है? ग्लास होता है। और आता है जैसे उसमें इनके क्या होते हैं? मिश्रण क्या होते हैं? इन सभी के क्या होते हैं? मिश्रण होता है। जैसे अभ्रक है, फाइबर है, ग्लास है, इनका क्या होता है? मिश्रण से बने हुए पदार्थ होते हैं, मिश्रण से बने हुए पदार्थ। अब जैसे आगे बात करते हैं हम, जैसे मैं बात करूं नंबर सेवन की, बात करता हूं दोस्तों। सेवन के अंतर्गत आते हैं जैसे तुम्हारा, जैसे इनका जो टेम्परेचर क्या होता है? 180 डिग्री से ऊपर होता है। क्या होता है तुम्हारा? 180 डिग्री से ऊपर होता है। जो होता है तुम्हारा किसका होता है? क्लास सी का होता है। किसका होता है? क्लास सी का होता है, या बोलते हैं श्रेणी सी का होता है, या वर्ग क्या बोल सकते हैं तुम्हारा? सी का होता है। इसका जो अधिकतम टेम्परेचर होता है दोस्तों कितना होता है? 200 डिग्री सेल्सियस, या बोल सकता हूँ 220 भी होता है, और या मैं बोल सकता हूँ इसमें 230 डिग्री टेम्परेचर, इतने डिग्री टेम्परेचर तक होता है दोस्तों इसमें। यानी 200 से कितना होता है तुम्हारा? 230 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसके अंतर्गत आते हैं जैसे तुम्हारा आता है अभ्रक, चीनी मिट्टी आता है, अभ्रक भी आता है दोस्तों इसमें। और आता है तुम्हारी चीनी मिट्टी, क्या आती है तुम्हारी? चीनी मिट्टी। और आते तुम्हारी चीनी मिट्टी का आता है जैसे कांच आता है तुम्हारा, क्या आता है दोस्तों? कांच आता है। और आता तुम्हारा क्वार्टर्ज, क्या आता है दोस्तों इसमें? क्वार्टर्ज आता है। ये जितने भी दोस्तों ये तुम्हारे वैद्युरोधी पदार्थ हैं, ये भी तुम्हारे क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में, यानी तुम्हारे इसमें क्लास सी के अंतर्गत आते हैं। इनका टेम्परेचर कितना होता है, और इनके वैद्युरोधी पदार्थ होते हैं, इनमें कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं, या बोल सकते हैं अचारक पदार्थ यूज किए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वार्टर्ज और इन सभी के द्वारा भी, कि जो भी मटेरियल बनाएंगे तुम्हारे उनका भी हम यूज कर लेते हैं। और भी ऐसे मैं बात करूँ इसमें, जैसे कुछ पदार्थ होते हैं तुम्हारे, जैसे मैं बात करूँ जो तुम्हारे अचालक पदार्थ होते हैं, कैसे होते हैं? बहुत सारे अचालक पदार्थ होते हैं, और भी होते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों। ये भी जितने में क्वेश्चन बताए मैंने इसी के अंतर्गत जो आते हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।